गदर फिल्म की गदर के बाद सारे लोग बात सिर्फ सनी देओल की कर रहे हैं। उसकी जो लीड एक्ट्रेस है अमीषा पटेल, उसके बारे में बात कोई नहीं कर रहा। और हम मैं बात करूंगी आज अमीषा पटेल के बारे में। वो भी कोई छोटी मोटी स्टार नहीं थी। इतने अच्छे बैनर से लॉन्च होने के बाद उनका कैरियर क्यों डूब गया? नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत आपका मेरे चैनल नंदनी। जो मैं हूँ नंदनी, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मुझे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। देशभक्ति के लिए सनातनी ताकत, पारिवारिक ताकत अगर देखनी है तो गदर फिल्म एक बार जरूर देखिएगा। इस फिल्म में ने जो गदर मचाया है उसके बाद लोग सिर्फ बात सनी देओल की ही कर रहे हैं। जबकि सही है कि सनी देओल अपने कंधों पे फिल्म को ब्लॉकबस्टर कर जाते हैं, लेकिन उस फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस है अमीषा पटेल, उसकी बातें तो हो रही हैं लेकिन बहुत कम हो रही हैं। और 47-48 साल की उम्र उनकी हो गई है, खैर शादी भी उन्होंने नहीं की। उनका करियर क्यों ढलान पे आ गया? जो लोग कहते हैं ना, लड़कियों के अंदर अकल नहीं होती, या लड़कियां इस तरह से ही होती हैं, कहीं कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये बात सही है। कुछ मैं कहूँगी लक भी है, लेकिन कुछ लड़कियां गलत भी कर जाते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, गलत चीज़ों में पड़ के अपना करियर खराब कर लेती हैं। राकेश रोशन जी ने उन्हें अपने बैनर तले लॉन्च किया, अपने बेटे को उन्होंने लॉन्च किया, उनके अपोजिट उन्होंने साइन किया अमीषा पटेल को अभिनेत्री के तौर पे। और नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने के बावजूद उनका कोई मतलब फिल्मी बैकग्राउंड उनका नहीं था, लेकिन आई। और राकेश रोशन जी ने अपने बेटे को लॉन्च किया, जाहिर सी बात है वो उनको ज़्यादा फुटेज दे उनको देना ही था। लेकिन ऐसा नहीं है कि राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन को ज़्यादा फुटेज दिया तो अमीषा पटेल को किसी ने नोटिस नहीं किया। उनको लोगों ने नोटिस किया, अच्छा खासा स्टार वाला चेहरा था, एक अलग मासूमियत थी, सुंदर तो थी वो हर चीज़ बिल्कुल, और एक अच्छी पढ़ी लिखी परिवार से एक और एक अच्छी पढ़ी लिखी स्टार थी। और उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छे स्टार वाले उनके अंदर बात लोगों को दिखी। और करियर के शुरुआत में उन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में उन्हें मिली। कहो ना प्यार है के बाद उन्होंने गदर की, उनके राज जैसी फिल्म आई, कई और फिल्म आई, लेकिन दो तीन फिल्में ऐसी हैं जो उनकी करियर की जो हमेशा याद रखी जाएंगी। राज हो गई, गदर हो गई, कहो ना प्यार हो गया, लेकिन उसके बाद उनका करियर ढलान पे नहीं आया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो कहीं छोटे मोटे रोल कर रहे हैं, कभी वो आइटम सॉन्ग तरह इस तरह से कुछ कर रहे थे। क्यों ऐसा हुआ? जब हमें बहुत कुछ आसानी से मिल जाता है तो हम शायद उसकी या तो कदर नहीं करते, या तो हमारे सर चढ़ जाता है, या तो फिर हम गलत रास्ता चुन लेते हैं। अमीषा पटेल के साथ ये हुआ कि वो विक्रम भट्ट के पैर में पड़ गई, और नतीजा ये हुआ कि उनका करियर ढलते गया। विक्रम भट्ट के प्यार में पड़ने के चक्कर में उन्होंने अपना करियर तबाह कर लिया, और अपने माँ और बाप के खिलाफ उन्होंने शायद कुछ पैसे के घपले का भी इल्ज़ाम अपने माँओं पे लगाया, और पूरी दुनिया के सामने माँओं को बदनाम कर दिया। एक बार के लिए हम मान लेते हैं माँओं ने उसका पैसा गबन कर भी लिया, ठीक है, खा भी लिया, उन्होंने इल्ज़ाम लगा भी दिया, लेकिन माँ बाप पैसे कहाँ लेके जाते? कभी उसकी ज़िंदगी में मौका परेशानी आती, कुछ भी होता, उसके साथ उसके माँ बाप भी तो खड़े होते। उसके माँ बाप वो पैसा उनके माँ बाप के पास तो जाता, किसी और के साथ पास तो नहीं जाता। उन्होंने उसके चक्कर में माँ को किस पे इल्ज़ाम लगाया, और उसके प्यार के चक्कर में आके अपना करियर दबाव कर लिया, अपने पारिवारिक रिश्ते खराब कर लिए। हमें नहीं पता अब उनके रिश्ते कैसे हैं अपने मम्मी पापा के साथ, लेकिन निश्चित रूप से बच्चे अगर गलत भी करते हैं, नाराज़ भी होते हैं, तो माँ बाप कभी नाराज़ नहीं होते बच्चों से। निश्चित रूप से उनके माँ का आशीर्वाद उनका साथ आज भी उनके साथ होगा। लेकिन ये बात लड़कियों को समझनी चाहिए, अगर
तुम्हें मौका मिला है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है लड़कियों को इस तरह से लोग ग्लैमर वर्ल्ड में उन्हें मौका मिला और इतनी अच्छी अच्छी फिल्में शुरुआत में मिली। अगर वो प्यार के चक्कर में पढ़ने के बजाय अपने करियर पे ध्यान देते तो आज शायद वो कहीं और होती। भले गदर टू ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया, उनका रोल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन गदर वन की वजह से उन्हें लोग याद कर रहे हैं और इस फिल्म में उनको उसी किरदार के लिए देख के जैसा ही देख रहे हैं, क्योंकि वो कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। फिर से गदर टू ने थोड़ा बहुत जो है उनकी करियर को संजीवनी दे दी है। हालांकि 47-48 साल की उम्र में उनको लीड रोल तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि अगर उन्होंने शुरुआती दौर में गलती नहीं की होती तो शायद वो कहीं और होते, और ये जो कामयाबी आज उन्हें मिली है दोबारा से इस गदर टू के सीक्वल की वजह से, उन्हें आज वो एक और नई ऊंचाई देते। आज उन्हें सिर्फ सुर्खियों में लाती है, अगर वो लगातार अच्छा काम कर रहे होते तो ये एक नई ऊंचाई उनके करियर को देती। सिर्फ मैं यही कह रही, एक वही नहीं, कई लोग लड़कियों ने ऐसा काम किया बॉलीवुड में आके, वो बिना मतलब के प्यार के चक्कर में पड़ी और उन्होंने अपना करियर बर्बाद कर लिया। इतना अच्छा मौका किसी को नहीं मिलता है, गैर फिल्मी परिवार से होने के बावजूद भी जब मौका मिला, किस्मत ने साथ दिया, तो उन्होंने अपनी अकल दूसरी तरह लगा ली, दूसरी तरफ लगा ली, दूसरी तरफ ध्यान दिया। नतीजा ये हुआ कि अच्छा खासा करियर खराब हो गया। सब कुछ था, एक्टिंग आती थी, सब कुछ आता था, सुंदर थी, टैलेंटेड थी, स्टार वाला चेहरा, सब कुछ था, तभी तो लोगों ने कहो ना प्यार है, मैं उन्हें हाथों हाथ लिया। उसके बाद गदर आई, उसके बाद राज आई, कई और फिल्में भी आई, लेकिन फिर उनका करियर ढलान पे ही नहीं, खत्म हो गया। इसलिए ये सबक सभी लड़कियों के लिए है, कहीं पे भी किसी को अगर मौका मिलता है तो बजाय कहीं और ध्यान देने से अपने करियर पे ध्यान दें और आगे बढ़ें। नमस्कार। कर लड़कियों को कम से कम अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। लड़कियों की स्थिति बहुत अच्छी पहले भी नहीं थी, अब ठीक होने लग गई है, काफ़ी बदलाव आया है, ऐसा नहीं है। काफ़ी लड़कियों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, काफ़ी अच्छे जहाँ मौका मिल रहे हैं मुकाम भी हासिल कर रही हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ, बहुत सारी, कुछ नहीं बहुत सारी, जिन्हें मौका सब कुछ हाथ में होते हुए भी वो थोड़ा सा प्यार के चक्कर में अपना पूरा करियर बर्बाद कर लिया, थोड़ा गलती के चक्कर में थोड़ा सा करियर बर्बाद कर लेते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, या हर किसकी अपनी अपनी सोच है। अगर मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर लीजिए।